कप आटा लिया है मैंने ये, 50 ग्राम गोंद लिया है, 10-15 बादाम लिए हैं, 10-15 हमने काजू लिए हैं और हमने आधा कप खांड लिए हैं, बादाम को हमने काट लिया है और आधा कप हमने घी लिया है, देसी घी लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर लेते हैं। घी डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून घी डाल देते हैं हम इसमें, क्योंकि हमें ये गोंद फ्राई करना है। गोंद को हमेशा मीडियम गैस पर ही फ्राई करना है, क्योंकि गोंद अच्छे से सिक जाएगा, वरना नहीं तेज गैस पर ये कच्चा रह जाएगा और दांतों में चिपकेगा, इसलिए इसको हम बिल्कुल मीडियम गैस पर ही सेकेंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा हम गोंद डाल देंगे, ये फूल जाए आराम से। मीडियम गैस पर इसको करेंगे पूरा। गोंद हमेशा सूखा होना चाहिए, सीला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से करारापन नहीं देगा। सिक गया है बिल्कुल, ये देखिए गोल्डन हो गया है, पूरा फूल गया है। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर, थोड़ा सा वो डाल देते हैं। सारे सिक गए हैं, सभी को निकाल लेते हैं हम हल्का सा। अब हम ये थोड़े से ड्राई फ्रूट भून लेते हैं। आप ड्राई फ्रूट में किशमिश ले सकते हो, ताल मखाने ले सकते हो, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने तो काजू और बादाम ही लिए हैं। काजू बादाम भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं इसमें से। 1 टेबल स्पून घी ले लेते हैं आटा भूनने के लिए। अब आटा भून लेंगे, ये भी बिल्कुल ही मीडियम गैस पर भूनेंगे। आटा हमेशा मीडियम गैस पर ही भूनना है, क्योंकि आटा जल जाएगा और वो स्वाद नहीं आएगा। बिल्कुल ही मंदी गैस पर इसको भूनना है धीरे धीरे। 1 चम्मच घी और डाल देंगे इसी में, क्योंकि घी थोड़ा कम है। आराम से भून देंगे ताकि ये आराम से भून जाए। लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा आटा ले, ज्यादा बारीक आटा नहीं ले। और यदि आपके पास में मोटा आटा नहीं हो तो आप 2 चम्मच इसके अंदर सूजी डाल सकते हैं, इसे थोड़ा लड्डू अच्छे बनेंगे। आटा भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गोंद को तोड़ लेते हैं, एकदम से ये आप इसको कटोरी या बेलन से भी तोड़ सकते हैं। आटा ठंडा हो गया है, हल्का सा निगलाया है, क्योंकि ठंडे आटे से तो बनेगी भी नहीं। इसके अंदर हम गोंद डाल देंगे, ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और अब हम ये खांड डाल देंगे। यदि आपके पास खांड नहीं हो तो आप चीनी पीसकर भी डाल सकते हैं, और मीठा अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं आप। मैंने तो आधा कप लिया है, आप 1/4 कप भी डाल सकते हैं, या उससे कम खाना चाहो तो कम भी डाल सकते हो। इसको मिक्स कर लेंगे अब हम। अब हम इसमें बचा हुआ घी डाल देंगे, क्योंकि अभी ये बिल्कुल पंजीरी की तरह है, अभी घी चाहिए इसके अंदर। अभी हम पूरा घी डाल देंगे इसके अंदर, पूरा हमारा आधा कप घी लग गया है इसके अंदर। अच्छे से मैश करेंगे ताकि हमारे लड्डू आराम से बंध जाए। ये मिक्स हो गया है, अब हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू आप अपने हिसाब से बना लें, छोटा या बड़ा, जैसे भी आपको बनाने हो। ये देखिए इस तरीके से, मल्टीग्रेन आटे के लड्डू तैयार हैं। आपको यदि हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमें बताइए कि लड्डू कैसे बने। धन्यवाद।